क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले मास्टर ब्लास्टर और पूर्व भारतीय खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर के कद का एक बार फिर क्रिकेट की सर्वोच्च संस्था ने इस्तकबाल किया है। आईसीसी इंटरनेशनल काउंसिल ने पूर्व भारतीय खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर को हॉल ऑफ फेम में शामिल किया है। इस लिस्ट में उनके अलावा साउथ अफ्रीका के पूर्व तेज गेंदबाज एनल डोनाल्ड भी शामिल हैं। 40 साल के सचिन इस लिस्ट में जगह बनाने वाले छठवें भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं। उनसे पहले ये उपलब्धि साल 2018 में टीम इंडिया की दीवार रह चुके राहुल द्रविड़ ने हासिल की थी। आईसीसी की तरफ से मिले इस सम्मान पर सचिन तेंदुलकर ने भी अपनी खुशी जाहिर करते हुए प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि ये उनके लिए बड़े गर्व की बात है। आपको बताते कि भारतीय टीम के इस महान ऑलराउंडर खिलाड़ी के नाम टेस्ट और वनडे दोनों फॉर्मेट में सबसे ज्यादा रन बनाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज है। बात करें सचिन तेंदुलकर के इंटरनेशनल करियर की, तो उन्होंने साल 1989 में अपने करियर का आगाज किया था। साल 1989 से लेकर 2013 यानी कि करीब 24 साल तक 200 टेस्ट मैच उन्होंने खेले। इस दौरान 53.78 के औसत से 15,921 रन बनाए। इसमें उनके बल्ले से 51 सेंचुरी निकली। वहीं अगर सचिन तेंदुलकर के वनडे फॉर्मेट की बात की जाए, तो इस फॉर्मेट में भी सचिन के बल्ले का जलवा देखने को मिला। सचिन ने 463 वनडे मैचों में 44.83 के औसत से 18,426 रन बनाए। इस दौरान उन्होंने 49 सेंचुरी लगाई। सचिन तेंदुलकर विश्व क्रिकेट के एकमात्र ऐसे खिलाड़ी हैं जिनके नाम 100 इंटरनेशनल सेंचुरी है। सचिन और द्रविड़ से पहले साल 2015 में अनिल कुंबले को ये सम्मान मिला था। वहीं पूर्व क्रिकेटर बिशन सिंह बेदी और सुनील गावस्कर को साल 2009 में आईसीसी क्रिकेट हॉल ऑफ द फेम में शामिल किया गया था। देश का पहला विश्व कप जिताने वाले पूर्व भारतीय कप्तान कपिल देव को भी साल 2010 में इस सम्मान से नवाजा गया। जाहिर है कि इस खबर के आने के बाद सचिन तेंदुलकर के फैंस बहुत खुश हैं और वो खुद पर गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं।